नमस्कार, एक वीडियो ट्यूटोरियल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन के बारे में ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम तीन टॉपिक्स पर आपको ट्रेनिंग देंगे। एक तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें आपको कंप्यूटर क्या है, सीपीयू का जो मैकेनिज्म है काम करने का वो आपको बताएंगे, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, और मेमोरी क्या है और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं इसको हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है या पर्सनल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं ये आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद आपको हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना और उसकी हम कैसे उसको हम लोग मैनेज या सेटिंग करते हैं, और एमएस ऑफिस का जो ट्रेनिंग है जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसको हम उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस और पब्लिशर के बारे में आपको बताएंगे। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसमें दो तरह के यूजर्स को, दो तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाएगा या इसको तैयार किया जाएगा। एक वो यूजर है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसके बारे में ध्यान रखकर इस वीडियो ट्यूटोरियल को तैयार किया जाएगा, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं यानी जो पहले से कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उसको चलाना जानते हैं, उस पर काम करना जानते हैं, तो उनके लिए क्या और इसमें नई जानकारी दी जाए, ताकि दोनों तरह के यूजर इसको आसानी से इसको इससे लाभान्वित हो सकें। इन दोनों यूजर को यानी जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी इसमें ध्यान में रख के इस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाया जाएगा, और जो एडवांस लेवल के यूजर्स हैं उनको भी ध्यान में रखकर इसको बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आज के जीवन में कंप्यूटर का कितना बड़ा महत्व है। आज हम कंप्यूटर के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग है, चाहे आपका जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग है। और आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो या कॉमर्स का, इंश्योरेंस का सेक्टर हो या बैंकिंग का सेक्टर हो, इन सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इसलिए आज के युग में कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक है। कंप्यूटर के रूप में आप डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन का यूज आप करते हैं, ये सभी के सभी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग है। तो इसमें हम जो पहला हम जो आज जो चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, इसको शॉर्ट में आप बीओसी भी कह सकते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक बेसिक एजुकेशन होता है जो एक नींव की तरह काम करता है, यानी कोई भी बिल्डिंग हमें खड़ा करने के लिए जैसे उसका नींव बनाना पड़ता है, उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और फाउंडेशन जितना ही मजबूत होता है बिल्डिंग उतना ही मजबूत होती है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक एजुकेशन है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको जानने के बाद हम कंप्यूटर पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का जो कार्य करने का तरीका होता है उसके बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर का कार्य करने का मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर जो हार्डवेयर होते हैं जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस कैसे काम करते हैं, उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसका प्रयोग क्या होता है, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में क्या काम है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, यह सभी मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में क्या है, कौन कौन से मेमोरी का कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, ये सभी तरह की जो जानकारी होती है वह बेसिक ऑफ कंप्यूटर में मिलती है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जो चैप्टर्स होते हैं उसका अध्ययन करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद हमें कंप्यूटर पर कार्य करना और उसके बारे में समझ हमारे लिए आसान हो जाता है, बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं और आसानी से उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। इस बीओसी में हम जो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, आप जो इसमें पढ़ेंगे, एक तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डिफिनेशन आप किस तरह से दे सकते हैं, साथ ही साथ जो कंप्यूटर का काम करने का मैकेनिज्म है यानी जो सीपीयू है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर
कंप्यूटर जो शब्द है वह कंप्यूट से लिया गया है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। यानी पिछले जब कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तब ये केवल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटर एक कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर मशीन बन के नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रयोग ब्रॉड लेवल पर किया जाता है। यह इस कारण से हुआ है कि इसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब लार्ज वॉल्यूम में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसकी उच्च स्पीड है यानी हाई स्पीड के कारण ये जो काम करने में हमें 5 से 7 दिन या महीनों लग जाते थे वह हमारा कंप्यूटर पलक झपकते ही कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक्यूरेसी है यानी कोई भी रिजल्ट जो ये प्रदान करता है हमें वह एक्यूरेट होता है। इसी तरह से ये इसमें वर्सेटिलिटी है। कंप्यूटर की अगर कार्य के बारे में हम चर्चा करें तो कंप्यूटर का प्रयोग जैसे हम लेटर टाइपिंग के लिए, कोई भी डिजाइनिंग के लिए, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे हम चलाते हैं या अपने होम अप्लाइंस में जिन प्रोग्राम के माध्यम से हम उसको कंट्रोल करते हैं, ये सभी के सभी प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। आजकल के युग में जो भी क्षेत्र है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर का जो शब्द है जो 8 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसका प्रत्येक कैरेक्टर अलग अलग वर्ड है जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे सी की अगर बात करें तो सी का मतलब कॉमन होता है यानी यह सभी जगह प्रयोग होता है। ओ से ऑपरेटेड होता है यानी इसको ऑपरेट किया जाता है। एम से मशीन होता है यानी जैसे मशीन पार्ट पुर्जों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही कंप्यूटर विभिन्न तरह के पार्ट पुर्जों से मिलकर बना होता है। पी से पर्पज होता है, पार्टिकुलर होता है यानी कंप्यूटर का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है। यू से यूनिक यानी यूजीन होता है यानी कंप्यूटर को विभिन्न तरह के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। और ये यूनिक होता है मतलब जो काम हम लंबे समय में कर सकते हैं, जिनको करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है या जो असंभव सा लगता है वह काम कंप्यूटर पलक झपकते ही कर सकता है। ई से इंजीनियरिंग भी होता है, एजुकेशनल भी होता है, मतलब इसका कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग और एजुकेशनल क्षेत्रों में भी होता है। साथ ही साथ इससे रिसर्च यानी आर से रिसर्च होता है जिसका प्रयोग अनुसंधान में किया जाता है। अगर हम हिंदी में इन्हीं अलग अलग जो वर्ड्स अलग अलग कैरेक्टर से निकल के आ रहे हैं, अगर हिंदी में बात करें हम कह सकते हैं आम ऑपरेटिंग मशीन जिसका प्रयोग व्यापार, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का हिंदी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का हिंदी में इसको संगणक भी कहते हैं, अभिकलक भी कहते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है यानी हम कंप्यूटर का डेफिनेशन हम कैसे देंगे। कंप्यूटर का डेफिनेशन देने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर के वर्ड्स हैं उनके बारे में समझना आवश्यक है। जैसे हम बात करें डेटा का, जो तथ्य और आंकड़े होते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग का मतलब कंप्यूटर रिजल्ट देने से पहले जो कार्य करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा करता है, सीपीयू जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। इसी तरह से इनपुट की बात करें तो इनपुट वह माध्यम है जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम कार्य देते हैं। यह माध्यम कीबोर्ड और माउस हो सकता है। एक शब्द होता है आउटपुट जिसके द्वारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है और वह माध्यम मॉनिटर और प्रिंटर हो सकता है। इसी तरह से हम बात करें प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, तो प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम यानी आदेशों के संग्रह को हम प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में एक शब्द होता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं, जो डेटा को अस्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर करता है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, रोम, ये सभी कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले मेमोरी हैं। अब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, उनके बारे में जानकारी लेने के बाद हम अगर परिभाषा देने चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जो डेटा को बाइनरी रूप में वेरिएबल प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेसिंग करता है। सिंपली अगर हम कहना इसकी परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से हो सकता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट से लेता है और उसका प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट से उसका रिजल्ट देता है। इस तरह से हम कंप्यूटर का एक परिभाषा दे सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के माध्यम से लेता है और उसका प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के द्वारा उसका रिजल्ट देता है। इसी तरह से हम कंप्यूटर को अगर डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से या इनपुट डिवाइस के मदद से, और वह प्रोसेसिंग करता है यानी सीपीयू की मदद से, और जो उसका रिजल्ट होता है वह आउटपुट के मदद से डिस्प्ले करता है या आउटपुट मॉनिटर या प्रिंटर हो सकते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती है जब हम कंप्यूटर को कोई कार्य देते हैं। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर्स के यूनिट्स की बात करें तो कीबोर्ड और माउस यहाँ पर इनपुट के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू है। इसी तरह से जो आउटपुट है वह मॉनिटर के माध्यम से दिया जाता है। तो ये पूरा एक यूनिट्स होता है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और सीपीयू, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू क्या है? सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं या कराए जाते हैं वो सारे के सारे सीपीयू के द्वारा ही कराए जाते हैं, और इसके बिना कंप्यूटर एक डेड बॉडी की तरह है, मृत प्राय है। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर को जो सीपीयू होता है उसे हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यानी सीपीयू वास्तव में एक छोटा सा चिप होता है जो कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और इसे हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की संरचना क्या है। सीपीयू की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, तो सीपीयू का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वह कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें कि सीपीयू कैसे कार्य करता है, तो हम आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी हम इनपुट की मदद से कोई भी कार्य हम सीपीयू को देते हैं तो वह मेन मेमोरी के अंदर वह डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हमारे द्वारा दिया गया है वह उसे वहां पर स्टोर करता है। और जो फर्स्ट वर्क होता है वह सीपीयू के अंदर जो इंटरनल रजिस्टर होता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, जो थोड़े समय के लिए कार्य को वह स्टोर करता है, उसके अंदर आ जाता है। और जैसे ही कार्य उसके अंदर आता है, जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है उसको पता चल जाता है कि कौन सा कार्य सीपीयू के लिए आया है। अगर वो काम मैथमेटिकल और लॉजिकल है तो वह ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देकर कराता है। अगर मैथमेटिकल या लॉजिकल नहीं है तो संबंधित प्रोग्राम या संबंधित डिवाइस को देकर उसको कंट्रोल यूनिट कराने के बाद उसका आउटपुट के माध्यम से डिस्प्ले कर देता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती है जब भी हम सीपीयू को कोई काम देते हैं। यहाँ पर इंटरनल रजिस्टर एडवांस वर्क भी कंप्यूटर के लिए सीपीयू के लिए स्टोर रखता है। यानी एक काम जैसे ही सीपीयू को दे दिया करने के लिए तो दूसरा काम उसके अंदर स्टोर रखता है, और जैसे ही वह काम खत्म होता है जो एडवांस वर्क है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। इससे क्या होता है कि सीपीयू का जो स्पीड होता है, जो लेटेंसी होती है, वो कम होती है और सीपीयू अपने गति से काम करता रहता है। इंटरनल रजिस्टर होता है वह सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए ये क्विक एक्सेसिबल होता है और ये MDR और ACC के रूप में भी काम करता है। यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर के रूप में भी काम करता है और एक्यूमुलेटर के रूप में भी काम करता है। एक बार और समझना चाहते हैं अगर इस डायग्राम को, जो सीपीयू कैसे काम करता है, तो इस प्रकार से है। इनपुट की मदद से जब भी हम कोई कार्य देते हैं
वह सीधे मेन मेमोरी में स्टोर होता है और जो फर्स्ट वर्क होता है वो इंटरनल रजिस्टर में आता है। जैसे ही इंटरनल रजिस्टर में कोई कार्य आता है यह बात कंट्रोल यूनिट को पता चल जाता है क्योंकि वो मैनेजर की तरह काम करता है। अगर वो काम मैथमेटिकल और लॉजिकल है तो कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU को दे देता है और शो करा के आउटपुट के द्वारा डिस्प्ले करता है। अगर वो काम मैथमेटिकल और लॉजिकल नहीं है तो संबंधित डिवाइस या संबंधित प्रोग्राम को देकर उसको करा के और कंट्रोल यूनिट आउटपुट के माध्यम से डिस्प्ले कर देता है। आशा है कि आपको ये जो लेसन है आपके बेसिक ज्ञान में वृद्धि भी करेगा और आपको लाभान्वित भी करेगा। थैंक यू।